वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 3 आज से हम शुरू करते हैं। इसके कंटेंट्स की ये ब्रॉड आउटलाइन मैंने यहाँ पे दी हुई है और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की और फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जहाँ पे भी हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी, और फंक्शंस जब हम किसी बॉडी सिस्टम के स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ये दो टर्म आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन होता है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो पेल्विक बोन के चारों तरफ होता है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। और इसके दो पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल देख लेते हैं क्या क्या होता है। इस एक्सटर्नल पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें एक चीज होती है जो स्किन का एक पाउच बनता है और इसको बोलते हैं सक्रोटम। दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है जिसको हम बोलते हैं पीनिस। पीनिस के बाहर ये जो ओपनिंग होती है इसका नाम होता है यूरिथ्रल मिएटस और एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। अब स्क्रोटम में स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है और यूरिथ्रल मिएटस से ये बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। अब एक जगह स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक जगह इजैकुलेट हो रहे हैं, तो इनके बीच में कोई रास्ता भी तो होना चाहिए स्पर्म्स को पहुंचने के लिए। वो ये रास्ता होता है, इस रास्ते को हम बोलते हैं सेमिनल ट्रैक्ट। तो सेमिनल ट्रैक्ट क्या है? सेमिनल ट्रैक्ट वो रास्ता है जहां से स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं फाइनल इजैकुलेशन होने से पहले। ये जो सेमिनल ट्रैक्ट है ये इंटरनल पार्ट में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और इंटरनल पार्ट्स में सेमिनल ट्रैक्ट के अलावा और एक चीज होती है, उन्हें बोलते हैं हम एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी का मतलब होता है जो किसी काम में हेल्प करती हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स वो हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रोडक्शन हो रही है स्पर्म्स की और ट्रेवलिंग हो रही है और इजैकुलेशन हो रही है, इन सारे कामों में जो हेल्प करती हैं ऐसी ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये जो सेमिनल ट्रैक्ट होता है इसका काम क्या होता है? एक तो ये रास्ता देता है फॉर स्पर्म्स टू ट्रेवल। दूसरा, इस सेमिनल ट्रैक्ट में ही स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स भी होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी थैली नहीं है जहां पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। स्पर्म्स स्टोर इस सेमिनल ट्रैक्ट में ही होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो सेमिनल ट्रैक्ट का है वो ये है कि ये फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो सेमिनल प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा इनसे भी रिलीज होता है प्लस सेमिनल ट्रैक्ट से भी सिक्रीट होता है। अब ये जो बाहर स्किन की एक पाउच बनी हुई थी जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, इसके अंदर एक मस्कुलर लेयर होती है। इन मसल्स को हम बोलते हैं डार्टस मसल। ये स्मूथ मसल होती है, इनवॉलंटरी। और ये जो डार्टस मसल होती है ये इस स्क्रोटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट पार्ट। और बीच में जो इनके बीच में जो दीवार होती है उसको बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। जो डार्टस मसल दूसरी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के साथ मिलकर के बनाता है। तो यहाँ पे हमें एक साइड लेटरल व्यू है तो एक साइड ऑफ स्क्रोटल सैक नजर आ रही है। सो डार्टस मसल हमें समझ आ गई। इसके अलावा एक और मस्कुलर लेयर होती है स्क्रोटम के अंदर, उसको बोलते हैं क्रिमेस्टर मसल। ये दोनों मसल्स आपने याद रखनी है, डार्टस मसल क्रिमेस्टर मसल। ये दोनों मसल मिलजुल के करती क्या है? ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, क्योंकि इनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन करने के लिए। अब डार्टस मसल क्रिमेस्टर मसल करती क्या है कि ये दोनों इनवॉलंटरी हैं, स्मूथ मसल्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जब सर्दियां होंगी बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के और स्क्रोटम को बॉडी की तरफ ले जाएंगी,
ताकि बॉडी से हीट मिलती रहे टेस्टिस को। और जब गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा बॉडी से, तो ये बॉडी से दूर ले जाएंगे स्क्रोटम को, ताकि ज्यादा हीट बॉडी की इनको ना मिले। अब इन दोनों मस्कुलर लेयर के अंदर एक और लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, बड़ी टफ लेयर होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका का मतलब होता है शीथ या जैकेट, वेरी स्ट्रॉन्ग जैकेट। और वेजनेलिस का मतलब जहां पे भी आ जाए, कैविटी, पाउच, होलो, होलो कैविटी, उसको बोलते हैं वेजनेलिस। और ट्यूनिका वेजनेलिस एक ऐसी शीथ है जिसके दो कवरिंग होती है, आउटर एंड इनर, और उन दोनों के बीच में खाली स्पेस होता है, होलो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। इसके अंदर एक तो ये हमारा टेस्टिकल होता है, टेस्टिकल को ही टेस्टिस भी बोलते हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं, इन स्पेलिंग्स का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लूरल में ये ई आता है और सिंगुलर में आई आता है। इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के बाहर भी एक ट्यूनिक होता है, एक जैकेट टेस्टिस भी पहन करके रखता है। इस ट्यूनिक का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, व्हाइट कलर। एल्बु याद कीजिए, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, एल्ब जहां पे आ जाए मतलब व्हाइट, तो इसका नाम दिया गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो दो ट्यूनिका हो गए, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक्सक्लूसिवली कवर कर रही है टेस्टिस को, और ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो एक और स्ट्रक्चर को कवर करती है टेस्टिस के साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है एपिडिडाइमिस। और ये टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे टेस्टिस के साथ साथ लगा हुआ होता है, और इसको एपिडिडाइमिस ही आप बोलिएगा, एपिडाइडिमिस भी बोलते हैं इसको, लेकिन एपिडिडाइमिस बोलने से आपको स्पेलिंग याद करने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्क्रोटम की हमने बात कर ली, और दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट था पेनिस, जिसका काम होता है इनसेमिनेशन। इसके अंदर एक ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है, यही इरेक्टाइल फंक्शन करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये स्पॉन्जी टिश्यू बहुत स्ट्रोंग कर करके इरेक्शन का काम करवाते हैं, ये याद रखना है। और इनके बीच में से एक ये डक्ट टाइप निकल रही है, इसका नाम है यूरिथ्रा। इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है ये थोड़ा सा सोलन टाइप, बल्बर टाइप होता है, इसको बोलते हैं ग्लास पीनिस। और जो टॉप के ऊपर एक लूज स्किन होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन या प्री प्यूस। ये जो फोर स्किन होती है ये 360 डिग्री लूज नहीं रहती है, नीचे की तरफ से ये जुड़ी रहती है, उस जोड़ने वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रेनुलम। ये वो टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग टफ टिश्यू होता है जो उसको जोड़ करके रखता है। ये ऐसा ही फ्रेनुलम हमारी जीभ के नीचे भी होता है, दिस इज फ्रेनुलम। सो सेमिनल ट्रैक्ट की अब हम बात करते हैं, तो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ये टोटल 5 होती हैं। सेमिनल ट्रैक्ट में एक्सेसरी डक्ट्स 5 होती हैं। पहली डक्ट का नाम है रेटी टेस्टिस, ये दो होती हैं दोनों टेस्टिस में, लेफ्ट और राइट। रेटी टेस्टिस आगे होती क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर होती है वासा एफेरेंशिया, ये दो सेट होते हैं, एक सेट लेफ्ट में एक सेट राइट में, और हर एक सेट में 15 से 20 ये डक्ट्यूल्स होती हैं, पतली पतली डक्ट्स होती हैं, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं वासा एफेरेंशिया। फिर एपिडिडाइमिस आ जाती है, ये दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। टोटल लेंथ ऑफ डक्ट इसमें 6 to 7 मीटर होती है, जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड एक दूसरे के ऊपर गुटगुट होकर के बहुत छोटी सी बन जाती है, और टेस्टिस की जो टोटल 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है उसको कवर करता है एपिडिडाइमिस। फिर इसके बाद आ जाती है चौथी, वास डेफरेंस उसको बोलते हैं, ये भी दो होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और वास डेफरेंस की टोटल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ये कॉन्वोल्यूटेड नहीं होती। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, वास जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है डक्ट, डेफरेंस का मतलब होता है टू कैरी अवे। अब ये एपिडिडाइमिस के रेफरेंस में इनके नाम रखे गए हैं, वास एफरेंशिया, एफरेंट का मतलब होता है कैरी टूवर्ड्स, एपिडिडाइमस की तरफ जो ले जाती है स्पर्म्स को, उसे बोला गया वासा एफरेंशिया।
और जो एपिडिडाइमिस से दूर ले जाती है उसे बोला वास डेफरेंस। अब यहाँ पे आप सोचेंगे भी यहाँ वासा यहाँ वास, तो वासा इज प्लूरल ऑफ वास, क्योंकि एफरेंशिया मैंने बताया आपको 15 से 20 हैं, तो इनको बोला गया वासा। वास डेफरेंस सिंगल है इसलिए उसे बोला गया वास। ये है हमारी वास डेफरेंस। इसके नेक्स्ट पांचवा और लास्ट एक्सेसरी डक्ट आता है इजेकुलेटरी डक्ट, उसको बोलते हैं जो वास डेफरेंस के बाद आता है। इजेकुलेटरी डक्ट, ये पहले क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया। इजेकुलेटरी डक्ट बनती है, एक्सक्रीटरी डक्ट होती है सेमिनल वेसिकल्स की, और वास डेफरेंस इन दोनों से मिल करके, ये सेमिनल वेसिकल है ये उसकी एक्सक्रीटरी डक्ट है, ये दोनों मिल करके क्या क्या, एक्सक्रीटरी डक्ट और वास डेफरेंस, ये दोनों मिलके बन गए इजेकुलेटरी डक्ट। ये पांचवी हमारी एक्सेसरी डक्ट है। इसके बाद सेमिनल ट्रैक में आता है जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा है सेंटर में, और ये दूसरी साइड से जो आ रही है इजेकुलेटरी डक्ट वो है, दूसरे टेस्टिस से आ रही है। तो यूरिथ्रा ये सिंगल ही होती है और ड्यूअल फंक्शन होता है इसका, ये मेन पार्ट तो है यूरिनरी सिस्टम का लेकिन हेल्प कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी, तो ड्यूअल फंक्शन होता है यूरिथ्रा का। यहाँ हमने ये याद रखना है कि ये जो यूरिथ्रा है ये सेमिनल ट्रैक्ट का तो पार्ट है लेकिन एक्सेसरी डक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यूरिथ्रा एक्सेसरी डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नहीं है। अब ये डायग्राम देख लीजिए आप, आगे डिटेल में तो हम बात करेंगे ही लेकिन यहीं पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये कंप्लीट टेस्टिस है, उसके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाए हैं, इनके बाद ये वो छोटी छोटी सीधी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं। ये जो मैंने फर्स्ट बताई थी आपको रेटी टेस्टिस सेमिनल ट्रैक में, रेटी टेस्टिस के बाद ये हैं वासा एफरेंशिया जो एंटर हो गई है एपिडिडाइमिस में। अब इस डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रेट डक्ट के बाद ये बन गया रेटी टेस्टिस, ये है वासा एफरेंशिया, ये पूरा है एपिडिडाइमिस और यहां से निकला वास डेफरेंस। इस डायग्राम में भी और क्लियर हो जाएगा, और इसमें साथ ही कुछ और भी चीजें आ गई हैं तो वो भी आपको क्लियर कर दूं। मैंने आपको बताया नाम रखे जाते हैं एपिडिडाइमिस के रेफरेंस में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है सेमिनल ट्रैक्ट में। इसमें साथ ही इस डायग्राम में आपको मैं एपिडिडाइमिस के पार्ट भी बता देता हूँ। इसका एक पार्ट तो है हेड, इसे केपुट बोलते हैं, फिर है बॉडी कॉर्पस, फिर है इसकी टेल, इसको बोलते हैं काउडा, ये तीनों मिलके बन गए एपिडिडाइमिस। अब कहाँ से इसने शुरू किया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने पढ़ लिया था, प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड टेस्टिस। इसने इस टेस्टिस को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में, इन पोर्शंस को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। डिवाइड किसने किया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने ही, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हमने पिछले डायग्राम में देखे थे, और उनके जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं वो जाकर के यहाँ पे बनाते हैं रेटी टेस्टिस, जो यहाँ पे आपको ये रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये है रेटी टेस्टिस, और जो ये ब्लू कलर का जाला सा नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टाइनम, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और जो रेटी वर्ड आया था RETE, रेटी का मतलब होता है नेटवर्क, जाल जाली जाला, तो वो रेटी टेस्टिस यानी टेस्टिस के अंदर जो जाला नुमा बन रहा है वो है रेटी टेस्टिस। और उसके बाद ये सारी दिखाई है इफ्रेंट डक्ट्यूल्स लिखा है यानी वासा एफेरेंशिया, और इसमें एक चीज उसने दिखाई है ये डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस, यानी वासा एफरेंशिया देन एपिडिडाइमिस देन वास डेफरेंस। एक दो चीजें इसने एक्स्ट्रा और दिखाई हुई हैं, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है रेड कलर की जो सेंटर में ब्लड सप्लाई दे रही है टेस्टिस को,
और ये जो ब्लू कलर में ये नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, वेन्स है ये, वेन्स का इसको बोलते हैं पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सेस, या आपकी जीके के लिए है, एनसीईआरटी में ये नहीं बताया हुआ। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स की अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने बताया था आपको तीन होती हैं। सबसे पहले होती हैं दो सेमिनल वेसिकल्स, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो एक साइड की मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस सेमिनल वेसिकल की ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, ये वास डेफरेंस आ रही है, और ये दोनों मिलके बन गई इजेकुलेटरी डक्ट, जो जाके मिल रही है यूरिथ्रा के अंदर। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो डक्ट आई जिसका नाम है इजेकुलेटरी डक्ट, ये प्रोस्टेट के थ्रू जा करके ही यूरिथ्रा में मिल रही है। प्रोस्टेट एक ही होती है जो यूरिथ्रा को, जिसने पूरा कवर कर रखा है, यूरिथ्रा के चारों तरफ होती है। और दो होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये जो रेड कलर की तीन नंबर जिस पर लिखा है, तीसरी ग्लैंड्स हैं ये हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ये प्रोस्टेट के नीचे बेस ऑफ पेनिस पे यूरिथ्रा के दोनों तरफ होती हैं, एक लेफ्ट साइड है राइट साइड में। अब ये सेमिनल ट्रैक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड्स ये मिलके रिलीज करती हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, इसको हम बोलते हैं सीमन, और ये अल्कलाइन होता है, ये आपने याद रखना है। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये जो दोनों थे, ये एक साइड का मैंने दिखाया है, सेमिनल वेसिकल से जो डिस्चार्ज होता है फ्लूड, उसमें बहुत सारी फ्रक्टोज होती है। ये फ्रक्टोज सिंपलेस्ट शुगर होती है, और ये ही स्पर्म्स को एनर्जी देती है उनकी मोटिलिटी के लिए। दूसरा, इसमें कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होते हैं। ये तीन चीज आपने याद रखनी है, नीट में 3-4 बार ये सवाल पूछा गया है। इसकी पीएच अल्कलाइन होती है, और 70-80% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल्स ही रिलीज कर रही है। इन दोनों की अपनी दो एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, जिनकी हमने पहले बात कर ली है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो 25-30% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा बनाती है, और ये एसिडिक होते हैं, इसके डिस्चार्जेस एसिडिक होते हैं, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी कम है, अल्कलाइन वाले की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ओवरऑल जो सेमिनल प्लाज्मा है, सीमेन है, वो अल्कलाइन होता है। प्रोस्टेट कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, जिंक होता है और सिट्रिक एसिड होता है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, उनका दूसरा नाम है कूपर्स ग्लैंड, ये साइंटिस्ट के नाम का रखा हुआ, कूपर्स ग्लैंड्स। इनकी दो एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, और कूपर ग्लैंड से एक फ्लूड निकलता है, उसे कूपर्स फ्लूड बोलते हैं। ये प्री इजेकुलेटरी फ्लूड होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, और इसका काम क्या होता है, ये यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करता है, पीनिस को लुब्रिकेट करता है। दूसरा, ये अल्कलाइन होता है, इसलिए मेन सीमेन आने से पहले ये यूरिथ्रा में जो बचा हुआ कोई यूरिन के ट्रेसेस होते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। यूरिन नॉर्मली एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अल्कलाइन फ्लूड, कूपर्स फ्लूड, प्री इजेकुलेटरी कहाँ से निकला, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज कंप्लीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2-3 बार इसकी आप बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या मेन चीजें उसने दिखाई हुई हैं, टी मीन्स टेस्टिस, उसके आगे ई मीन्स एपिडिडाइमस, इसके टेल वाले पोर्शन से निकल गया ये वास डेफरेंस, ये जो बी दिखाया है ये यूरिनरी ब्लैडर है, जिससे ये यू दिखाया है यूरिथ्रा निकल रही है। ये दो हैं सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल की ये है एक्सक्रीटरी डक्ट्स,
ये जो पोर्शन दिखाया है ये एम्पुला बोलते हैं, वास डेफरेंस का लास्ट पोर्शन थोड़ा बल्ज्ड होता है जिसमें स्पर्म्स स्टोर होते हैं टेम्परेरली। तो ये वास डेफरेंस और एक्सक्रीटरी डक्ट मिलकर के बन गई इजेकुलेटरी डक्ट, जो ये पी है और प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के थ्रू जाकर के मिल रही हैं यूरिथ्रा के अंदर। ये सारा का सारा पेल्विक रीजन में है। स्क्रोटम एंड पीनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस डायग्राम में एक नई चीज आ गई, इंग्वाइनल। तो ये इंग्वाइनल क्या होता है? इंग्वाइनल रीजन होता है बॉडी का, और उसमें होती है इंग्वाइनल केनाल। इस इंग्वाइनल केनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड पास करती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है? स्पर्मेटिक वेन्स होती हैं, टेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्रिमेस्टर मसल हम बात कर चुके हैं। वास डेफरेंस और आर्टरीज, ये सब मिल करके बनती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड जिस चैनल के थ्रू, जिस टनल के थ्रू पास होती हैं, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। ये जो राइट साइड में डायग्राम है, ये और देख लीजिए आप। सबसे बाहर स्क्रोटम की स्किन है, इस और ये बीच में स्क्रोटल सेप्टा है जो दो पोर्शंस में स्क्रोटम को डिवाइड कर रहा है। ये ग्रीन कलर की है डार्टस मसल जो ये सेप्टा बना रही है। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो मैंने बताया था, दो पार्ट होते हैं इसके, दो लेयर्स होती हैं, एक विजरल लेयर, एक पेराइटल लेयर, और बीच में है इसके ये कैविटी, हॉलो है, कैविटी है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोला ट्यूनिका वेजाइनलिस। और उसमें इसने दिखाया है क्रिमेस्टर मसल, ये उसने दिखाई है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो चलें आगे, कुछ डेटाबेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें से कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द क्वांटिटी ऑफ सीमेन पर इजेकुलेशन इज 2 to 5 ml, और पर एमएल में स्पर्म्स होते हैं 15 से 200 मिलियन। पर क्वार्टस में जो ट्रांसफर होते हैं स्पर्म्स, वो होते हैं 200 to 300 मिलियन। आउट ऑफ दीज 60% शुड बी नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन टू कैरी आउट। और स्पर्म्स जो होते हैं इजेकुलेशन के बाद 5 days तक वायबल रहते हैं, दे आर एबल टू फर्टिलाइज, बट दीज 5 days आर विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये डायग्राम दोबारा से आ गया, इसमें अब हम इस टेस्टिस की बात करते हैं। ये है कंप्लीट टेस्टिस। इसके बाहर की हमें लेयर मालूम है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया जो टेस्टिस होती है, इसको डिवाइड करती है, डिफरेंट 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 लोब्यूल्स बनाती है बाय वर्चू ऑफ दीज सेप्टा। दीज आर टेस्टिकुलर सेप्टा। अब इन लोब्यूल्स में देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। तो ये लोब्यूल्स हैं और सेप्टा हैं इस टेस्टिस के अंदर। हर एक लोब्यूल में होते हैं, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनका लास्ट पोर्शन जो स्ट्रेट होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ये जो पोस्टीरियर साइड में ट्यूनिका एल्बुजीनिया होती है, वो ये कंप्लीट ऐसे थैली टाइप नहीं रहती है। यहाँ पे ये जाली नुमा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है इस तरीके से। इस जाली नुमा स्ट्रक्चर को जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया से बना है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। और इस मीडिया स्टाइनम के ही डिफरेंट 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 जो ये चैनल्स बने हुए हैं, इनमें रेटिटेस्टिस होता है। ये देख लीजिए, ये रेटिटेस्टिस है जो इस मीडिया स्टाइनम के अंदर होता है। इस डायग्राम से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया दिखा दी उसने। ये जितने भी डॉटेड 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 पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये सारी है ट्यूनिका एल्बुजीनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजीनिया से बन रहा है ये सेप्टम, प्लूरल सेप्टा, सिंगुलर सेप्टम।
ये पिंक कलर के स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, ये रेटिटेस्टिस, और ये रेटिटेस्टिस है इस पोर्शन में जो बनी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, जिसको हमने नाम दिया मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। मीडिया स्टाइनम टेस्टिस क्यों लिखा? क्योंकि एक मीडिया स्टाइनम चेस्ट कैविटी में भी होता है, और ये दिखाया है एपिडिडाइमिस। इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। इस डायग्राम में ये दिखा रहा है मीडिया स्टाइनम टेस्टिस, ये है मीडिया स्टाइनम टेस्टिस, ये जो इस कलर के आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये मीडिया स्टाइनम है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बने हैं, और ये जो आपको नेटवर्क जाला टाइप दिखाई दे रहा है ये रेटी टेस्टिस है। और इसमें क्या दिखा रहा है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया उसने दिखा दी, ट्यूनिका वेजाइनलिस की दोनों लेयर उसने दिखा दी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, वो करेक्शन क्या है कि एक्चुअली यहाँ उसने ये पेराइटल लेयर दिखाई है, इस अंदर वाली को बोल रहा है पेराइटल लेयर, और ये विजरल लेयर दिखा रहा है, इस बाहर वाली को बोलते हैं विजरल लेयर। एक्चुअली विजरल लेयर अंदर वाली होती है, पेराइटल लेयर बाहर वाली होती है, तो कई बार बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अब इस डायग्राम में और देख लीजिए, आप खुद ही बताइए क्या क्या चीजें दिखाई हुई हैं इसमें। ये सारा है मीडिया स्टाइनम, और इसके अंदर है रेटी टेस्टिस, ये निकल रहे हैं वासा एफरेंशिया जो एंटर हो गए एपिडिडाइमिस में। एक्चुअली ये हेड पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस में एंटर होते हैं, और टेल पोर्शन से वास डेफरेंस निकलता है। ये सारे के सारे लोब्यूल्स हैं जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब टेस्टिस की हम बात कर लेते हैं। 250 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर एनसीईआरटी में लिखा है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्चुअली 3 to 10 होते हैं, लेकिन हमने 1 to 3 याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी 1 to 3 बोलती है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ होती है 50 to 70 सेंटीमीटर, और टोटल 700 से 1200 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में। और टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स लेडिक सेल्स, और कभी लिखा आ जाए इंटरस्टीशियल सेल्स और टेस्टिस तो कंफ्यूज नहीं होना, लेडिक सेल्स हैं ये, साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है। और इसमें इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए इस एरिया में। कौन सी सेल्स होती हैं? लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स। जो ये लेडिक सेल्स होती हैं ये रिलीज करती हैं एंड्रोजन्स, और मेन इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टिरोन जो एक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है सर्टोलाई सेल्स, ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम रखा गया है, और मेल जर्म सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो सर्टोलाई सेल्स होती हैं ये नर्स सेल्स होती हैं, नर्स करती हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, सपोर्ट देती हैं उनको, और फ्लूड भी रिलीज करती हैं जो रीअब्सॉर्ब हो जाता है रेटिटेस्टिस में। फ्लूड क्यों ये सिक्रीट करती हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स की अपनी कोई मोटिलिटी तो है नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन है उसके अंदर जब स्पर्मेटोजोआ पहुंचे तो वो मोटाइल नहीं होते हैं, तो उनको प्रेशर के साथ आगे धक्का मारने के लिए फ्लूड चाहिए होता है, तो ये फ्लूड भी सर्टोलाई सेल्स ही सिक्रीट करती हैं।
रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इनकी जर्नी शुरू होती है सेमिनिफेरेस्टिब्यूल से, फिर ये जाते हैं रेटिटेस्टिस प्रोस्ट्रेटिब्यूल्स, फिर ये पहुंचते हैं वासा एफरेंशिया, वहां से जाते हैं एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस, फिर इजेकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा और अल्टीमेटली डिस्चार्ज थ्रू यूरिथ्रल मिएटस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझने की कोशिश हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्यूबर्टी जब होती है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, जहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं LH FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या करता है, लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है। ये आप L और L से याद रख सकते हो कि LH एक्ट करेगा लेडिक सेल पे। लेडिक सेल हमने पहले भी पढ़ा, एंड्रोजन्स रिलीज करती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर एक्ट करती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। और ये एंड्रोजन्स असेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करते हैं। और तीसरा काम, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोलाई सेल्स पे काम करता है। एस सर्टोलाई सेल्स क्या करती हैं, ये कुछ सिक्रीट करती हैं ऐसे फैक्टर्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को मदद करते हैं, और एक इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करती हैं। ये फीडबैक लूप कैसे बनता है वो जल्दी से आप देख लें, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, उसने एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन रिलीज किए LH एंड FSH। FSH ने काम किया सर्टोलाई सेल्स के ऊपर, LH ने काम किया लेडिक सेल्स के ऊपर, और इन्होंने क्या क्या काम किए वो हमने समझ लिए हैं। इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जब जरूरत नहीं लगे, स्पर्मेटोजेनेसिस सफिशिएंट ज्यादा हो गई, स्पर्म्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, तो ये फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि इन दोनों हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस कीजिए। तो ये फीडबैक लूप से सारी चीजें कंट्रोल होती है। अब इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सबसे पहली सेल है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया मदरहुड के लिए भी यूज होता है वर्ड। तो स्पर्म्स की जो मदर सेल्स हैं उनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो टाइट जंक्शन है इसको समझने से पहले आप ये समझ लें, ये सर्टोलाई सेल्स जो हैं इररेगुलर शेप की लार्ज सेल्स होती हैं। ये जितनी भी इस कलर में ये चीज दिखाई दे रही है आपको, ये सर्टोलाई सेल्स है। और ये सर्टोलाइज सेल्स आपस में कहीं कहीं जंक्शंस बनाती हैं, टाइट जंक्शन। ये सारे टाइट जंक्शन मिलकर के ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं, ताकि बाहर से ब्लड के थ्रू कोई भी चीज इस एरिया में एंटर नहीं हो और हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाले। तो ये टाइट जंक्शन के थ्रू ब्लड टेस्टिस बैरियर क्रिएट करती हैं सर्टोलाइज सेल्स। इन्हीं के अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया कहीं कहीं एम्बेड हुए हुए हैं। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। जो ए टाइप के स्पर्मेटोगोनिया हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और ए टाइप और बी टाइप दो टाइप के स्पर्मेटोगोनिया ये प्रोड्यूस करते हैं। ए टाइप वापिस ए टाइप के भी बनाता है, और फिर ये ए टाइप फिर फर्दर ए और बी टाइप के माइटोसिस से बनाते चले जाते हैं। ये जो बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू माइटोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस करते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये स्पर्माटिड बनते हैं, मियोसिस टू होती है। और स्पर्माटिड जो होते हैं ये मैच्योर होकर के बनाते हैं स्पर्मेटोजोन।
यहाँ पे उसने दिखाया है कि यहाँ तक ये सारा माइटोसिस का प्रोसेस है, फिर ये मियोसिस वन है, फिर ये मियोसिस टू है, और इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। इस डायग्राम से फिर एक बार हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम समझते हैं, टेस्टिस हमको मालूम है, ये उसने दिखाया है स्पर्मेटोगोनियम, सिंगुलर मींस गोनियम, प्लूरल मींस गोनिया, 46 क्रोमोसोम्स, इससे बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स, यानी यहां तक के प्रोसेस में 2n है, आगे n है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है और स्पर्माटिड्स बनते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं इसमें। और अगले प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे ये कि ये सारे के सारे स्पर्म्स बन रहे हैं। राइट साइड के डायग्राम में हम देख लेते हैं, यहाँ भी उसने यही दिखाया है कि बर्थ के टाइम पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया अल्टीमेटली बनाती हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोलीफरेट होती हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, उनसे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, स्पर्माटिड्स और फाइनली मैच्योर स्पर्म्स। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब स्पर्माटिड से जब मेल स्पर्म बन रहा है यहाँ कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, स्पर्माटिड मैच्योर होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं और एक स्पर्माटिड से एक स्पर्म बनता है। ये एक लर्निंग टेक्निक होती है, इंस्टेंटेनियस रिकॉल इसको बोलते हैं, कि अचानक से कुछ पूछ लिया जाए तो हमारे ब्रेन को वो चीज हमेशा याद रहती है। क्या ये देना चाहते हैं हमें, ओके, ये एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, फटाफट बताइए भाई क्या है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, मैच्योर स्पर्म, टाइट जंक्शन, सर्टोलाइज सेल्स, और ये जो दो इसने पूछे नहीं हुए सर्टोलाइज सेल्स के न्यूक्लियस है, बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार फटाफट देखते हैं आप। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से और मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनने हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ थ्री प्रोसेसेस होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्माटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो था ए टाइप, उसने आगे स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप बनाए सेल डिवीजन से, और कौन सी सेल डिवीजन, माइटोटिक। अब बी टाइप ने क्या किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, उसने स्पर्माटिड बनाया और फाइनली स्पर्म बन गया। अब यहां पे सेल डिवीजन कहां कहां तक हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है स्पर्माटिड बनने तक, इसके बाद कोई सेल डिवीजन नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, मैच्यूरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन। जो सेल डिवीजन हो रही है उसमें यहां से लेकर के और यहां तक माइटोसिस है और यहां पे मियोसिस वन है, यहां पे मियोसिस टू है, ये क्लियर हो गया। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस, दिस इज स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस। ये डायग्राम अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को 74 दिन लगते हैं, और उसके बाद जब इनका ट्रांसपोर्ट शुरू होता है तो टोटल जाके करीब 3 महीने का टाइम होता है स्पर्मेटोगोनिया से फाइनल डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म तक, 3 महीने लगते हैं। टेस्टिस में 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ डेली प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें से हाफ या करीब 100 मिलियन के करीब जो है स्पर्म्स वायबल स्पर्म्स होते हैं। मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव सेटेलाइट सेल से ल्यूमेन में जब रिलीज होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये स्पर्मिएशन की एक्चुअल डेफिनेशन है। एनसीईआरटी में स्पर्मिएशन को लिखा हुआ है टेस्टिस से जब ये डिस्चार्ज होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। चाहे वो लिखा आ जाए आपके एग्जाम में, चाहे ये एक्चुअल डेफिनेशन लिखी आ जाए, आपने याद रखना है व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज सर्टोलाइट सेल से रिलीज होकर के ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस्टिब्यूल में स्पर्म्स जब पहुंच जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस जब हो रही है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? स्पर्माटिड से मेच्योर स्पर्म बनने का प्रोसेस। उसमें होता क्या है? अननेसेसरी जो साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनिल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। जो फाइनली जो स्पर्मेटोजोआ बने उनमें मोटिलिटी नहीं होती है, दे आर नॉन मोटाइल, और ये जाते हैं एपिडिडाइमस तक। जब पहुंचते हैं तो टेस्टिकुलर जो फ्लूड होता है जो सर्टोलाइट सेल से निकलता है, प्लस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज ट्यूब्यूल्स, ये पहुंचते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में जाके भी मोटिलिटी तो इनको मिल जाती है, लेकिन वो पार्शियल मोटिलिटी होती है। ये अपनी जगह हिल डुल तो सकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, अपनी कोई मोटिलिटी नहीं होती, या तो फ्लूड का प्रेशर या मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे स्पर्म्स आगे बढ़ते हैं। फुल मोटिलिटी इनको मिलती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होने के बाद। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। एंटोन वॉन लेवनहक ने 1677 में इनको माइक्रोस्कोप के नीचे फर्स्ट टाइम देखा। इनका साइज होता है 50 माइक्रोमीटर, 0.05 मिलीमीटर, और ह्यूमन जो आईज हैं वो देख सकती हैं नेकेड आई 0.1 मिलीमीटर। तो इनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। ये मोटाइल सेल्स होती हैं, लेकिन एपिडिडाइमिस और उसके बाद ये पार्शियल होती हैं इनकी मोटिलिटी, और फुल्ली मोटाइल होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा करके। इनके बाहर सबसे एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में 2 चीज होती हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो स्पर्म का होता है वो इलोंगेटेड होता है और हेप्लॉयड होता है, ये हम जानते हैं। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी की मॉडिफिकेशन होती है, और इसमें भरे होते हैं एंजाइम्स। ये 2 आपने याद रखने हैं नाम, हायलुरोनिडेज और लाइसीन। क्या? हायलुरोनिडेज और लाइसीन, ये हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में हमें। नेक जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होती है, इसमें एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल मेच्योर स्पर्मेटोजोआ में भी होता है, और ये एंटर करता है ओवम के अंदर, क्योंकि ओवम के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, तो उसको जब क्लीवेज होती है उसकी तो उस क्लीवेज में सेंट्रियोल मदद करता है। कौन सा? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सियल फिलामेंट उससे बनता है, और जब एक्सोनियम की असेंबली हो जाती है तो डिस्टल सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाता है। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये मिलके 10 से 14 स्पायरल बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और इस मिडल पीस के इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही जो हमने फ्रक्टोज शुरू में पढ़ी थी, सेमिनल वेसिकल के फ्लूड में फ्रक्टोज होती है, उस फ्रक्टोज को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये एनर्जी चाहिए होती है स्पर्म को मोटाइल होने के लिए। एपिडिडाइमिस के, वॉस डेफरेंस के, सेमिनल वेसिकल्स के, प्रोस्टेट के, ये सारे जो सिक्रीशंस होते हैं ये स्पर्म की मैच्यूरेशन में भी हेल्प करते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं। ये आप स्पर्म का एक सिंपलेस्ट डायग्राम देख लीजिए, जिसमें उसने दिखा दिया हेड, मिड पीस, मिडल पीस भी बोलते हैं, और टेल, और ये है नेक। एक्रोसोम दिखाया है उसने,
न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्पायरल, ये सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थ्रू आउट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए, और ये फ्लैजिलम है टेल के अंदर। ये दूसरा डायग्राम देख लीजिए, ये बार बार और कई सारे डायग्राम मैं आपको इसलिए दिखाता हूं कि ये जो इमेजेस हैं ये इम्प्रिंट हो जाए आपके माइंड में, आपको रिकॉल आसान हो जाए एग्जाम के टाइम पे। तो इनको ध्यान से देखना है ताकि इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस ब्रेन के अंदर चलता रहे। तो इसमें उसने चारों पार्ट दिखा दिए, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ये उसने एक्रोसोम दिखा दिया, ये उसने न्यूक्लियस दिखा दिया, ये सेंट्रियोल्स हैं नेक में, ये माइटोकॉन्ड्रियोन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सिंगल मींस कॉन्ड्रियोन और जो हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं दैट इज प्लूरल। ये टेल के अंदर एक्सोनीम है और टेल का ये जो लास्ट पोर्शन है इसको बोलते हैं एंड पीस। अब हॉरिजॉन्टली भी देख लीजिए ये डायग्राम, वही हेड, मिड पीस, टेल, एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम कह लीजिए इसके अंदर होती है। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक्सोनीम के चारों तरफ जिससे अल्टीमेटली फ्लैजिला बनता है। ये प्रोक्सीमल सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियस और ये एक्रोसोम। अब आप क्या कहोगे, या नीला और हरा दो चीज दिखाइए, ये एक्चुअली कंप्लीट न्यूक्लियस है। इसका 2/3 पोर्शन कवर रहता है एक्रोसोम से, तो अंदर वाले कलर को उसने इस कवर्ड पोर्शन के कलर को न्यूक्लियस के अलग से दिखा दिया है। अब कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में अगर कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी के डायग्राम से ही आएगा। इस डायग्राम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने पहले नहीं पढ़ ली है, सिर्फ एक करेक्शन है इसमें। ये जो वास डेफरेंस इसने दिखाई है ये इस यूरेटर के आगे से ही दिखा दी है, एक्चुअली ये इस यूरेटर के पीछे से हो लूप बन करके फिर ये आगे आती है। फिर फिगर 3.1B, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी, इसको भी आप ध्यान से देख लें और इम्प्रिंट कर लें अपने ब्रेन में। फिर फिगर 3.2 पेज नंबर 44 के ऊपर इसने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये जो डार्क रेड कलर से एरिया है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और इसमें लेडिक सेल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और अंदर ये खाली एरिया इसका ल्यूमेन है जिसके अंदर ये स्पर्मेटोजोआ दिखाया है इसने। फिर पेज नंबर 47 के ऊपर फिगर 3.5 है, उसने एनलार्ज करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाया हुआ है जिसमें उसने दिखाए हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये अंदर मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो बने स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। यहाँ पे भी एक माइनर सी करेक्शन है, ये सर्टोलाई सेल्स दिखा रहा है इनको, एक्चुअली ये सर्टोलाई सेल का न्यूक्लियस है और ये जितना भी ये दानेदार दानेदार पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये सारी सर्टोलाई सेल है, ये इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है। इसको और मैं इस डायग्राम से क्लियर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री फिगर आपको दिखा रहा हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुरू में जर्मिनल एपिथीलियम स्पर्मेटोगोनिया बने, उनसे उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, उनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ये अर्ली स्पर्मेटेड, ये लेट स्पर्मेटेड और फाइनली ये स्पर्म बने हैं। और ये जो आपको इरेगुलर शेप सेल नजर आ रही है पूरी की पूरी, ये है सर्टोलाई सेल और ये इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्लियर। अब पेज नंबर 48 के ऊपर है फिगर 3.6, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें देख लेते हैं कोई नई चीज दिखा रहा है क्या, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ये चार तो हो गए इसके पार्ट्स। फिर उसने दिखा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म के चारों तरफ है, फिर उसने दिखा दिया एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डायग्राम भी हमें क्लियर हो गया। यहां तक हमने चैप्टर 3 का एक सेक्शन जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और
गेमिटोजेनेसिस में से स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर ली है, उसके कुछ ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के तौर पे जरूर सॉल्व करें।